हेलो गाइस, हमारे साथ हैं आज मैडम माही संधू जो कि चंडीगढ़ से हैं। इन्होंने पहले एक जॉब से अपने करियर को स्टार्ट किया, उसके बाद जॉब के बाद इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस में अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट कर ली और एजेंसी में अभी ये 3 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग हर महीने कर रहे हैं। तो किस तरीके से ये सारी जर्नी को इन्होंने अचीव किया, क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स आई, उसको कैसे कैसे टैकल किया और अपनी जर्नी में कैसे ये सक्सेस हुए, तो आज वो सारी चीजों को अब हम इनसे जानने वाले हैं। तो ये सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा, सारी चीजों को समझिएगा और ये जो भी चीजें आपको बताएंगे समझाएंगे उससे आप भी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मैडम माही संधु के इंट्रोडक्शन के बारे में। जी माही जी, थैंक यू वेरी मच आज आपने अपना जो टाइम है हमें दिया। स्टार्टिंग करिए कि आप अपने बारे में बताइए हमारे व्यूवर्स को। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे सबसे आपके थ्रू सबसे बात करने का मौका मिल रहा है और इतनी ऑडियंस को अपनी बात पहुंचाने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई एम माही संधु एंड आई एम रनिंग माय ओन आईटी कंपनी। ये मैंने स्टार्ट किया था 2 साल पहले जब मैंने जॉब छोड़ी थी। जॉब छोड़ी क्या थी, जॉब से निकाल दिया था मुझे, जाओ टाटा बाय बाय, आप हमारी कंपनी में हमारे रूल्स के हिसाब से फिट नहीं बैठते, ऐसे बोला था मुझे। चलो एनीवेज, तब मैंने सोचा था कि अब जॉब नहीं करूंगी, अपने आप को टाइम दूंगी। मैंने 6 मंथ अपने आप को टाइम दिया था कि 6 महीने दूंगी, इसमें अगर मैं सक्सेसफुल हुई तो मैं कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज मैं फिर जाके किसी कंपनी में इंटरव्यू दूंगी, मैंने ऐसा सोचा था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया स्ट्रगल, उसके बाद मैंने रजिस्ट्रेशन कराई अपनी कंपनी की, फिर मैंने पिच करना स्टार्ट किया क्लाइंट्स को, फिर मेरा तरीका गलत था पिच करने का, बात करने का तरीका गलत था, फिर धीरे धीरे वो सीखा कैसे पिच करते हैं, कैसे बात करते हैं, कम्युनिकेशन अपने सुधारे। उसके बाद फिर मुझे एक क्लाइंट मिला था, मुझे याद है यूएसए का क्लाइंट था, और फिर इसके बाद धीरे 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 स्टार्ट हो गई थी मेरी जर्नी एजेंसी की। सबसे पहले वेबसाइट मेकिंग का मुझे काम आया था, तो मुझे भी बेसिकली मैं वेब डेवलपर थी, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस था वेबसाइट बनाने का, तो मुझे वो आसान लगता था सबसे ज्यादा काम, तो मैंने वही उठाया था मार्केट से। फिर मैंने सोचा मेरी एजेंसी है, मुझे और सर्विसेज भी ऐड करनी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने मार्केटिंग का काम ऐड किया, मुझे नहीं आता था, मैंने ड्रॉप सर्विसेज करानी स्टार्ट करी, फिर मैंने अपनी टीम बनाई धीरे धीरे। अब मेरे साथ 10 से 15 लोग काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे और बाकी 10 से 12 फ्रीलांसर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको मैं डे बाय डे या मंथ एक महीने बाद ऐसे काम देती रहती हूँ, तो अभी अच्छा चल रहा है। ओके, तो जैसे आपने ये आईटी कंपनी शुरू की, इस दौरान आपने जो स्ट्रगल फेस किया उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, स्ट्रगल कैसे और क्या हुआ, किस तरीके से आपने जॉब स्टार्ट की थी, स्टडी के बारे में बताइए, फिर स्टडी के बाद उस वक्त आप क्या सोचते थे, क्या करना चाहते थे जब आप स्टडी करते थे, तो स्टडी आपकी कंप्लीट हुई फिर उसके बाद आप जॉब करने चले गए या फिर डायरेक्ट जो है आपने बिजनेस को सोचा, क्या आपके व्यूज थे उस वक्त के, वो भी थोड़ा सा शेयर कीजिए। थोड़ा सा बचपन में जानना चाहूंगी क्योंकि एक कहते हैं कि ना शुरुआत इंसान कैसा बनता है बड़ा होके वो बचपन से हो जाती है, मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि मैंने मेरे साथ वैसे ही मेरी डेवलपमेंट हुई है जैसा मेरा माइंडसेट चाइल्डहुड एज में था। तो बचपन में फैमिली ऐसी से बिलोंग करती हूँ, पंजाबी फैमिली थी, पंजाब में रहते थे, तो माइंडसेट ऐसा था फैमिली का कि लड़कियों को 12 तक पढ़ा दो उसके बाद शादी कर दो इनके, ऐसा था। तो शुरू से ना मुझे ये था माइंड में कि 12वीं तो आने वाली है, 11वीं में आ गई हूँ, 12वीं आने वाली है, अब फिर वो फियर स्टार्ट हो गया कि शादी ना कर दे मेरी, मुझे तो पढ़ना है आगे, मुझे तो डिग्री लेनी है, और इंटरेस्ट इसी में था कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर्स मैंने 6th क्लास से स्टार्ट कर दिया था सीखना। 6th क्लास में मैं अकेली लड़की थी और जिसको कंप्यूटर्स आता था, सभी रिलेटिव्स में किसी को नहीं आता था, और मैंने लड़ लुड़ के अपने दादाजी से फीस मांगी थी। फीस कितनी थी, 72 रुपीज ओनली पर मंथ,
वो भी मेरे को थप्पड़ लगा था पहले चांटा कि नहीं मिलेंगे फिर भी मैंने जिद करी कि मुझे तो सीखना है, मुझे तो करना है। तो माय ग्रैंडफादर थे जो, वो पहले मेरे को डांटते रहे, फिर उन्होंने सोचा ये लड़की सही डायरेक्शन में जा रही है तो इसको सपोर्ट करते हैं। वो मेरे सपोर्टिंग पिलर रहे हैं, जब तक भी रहे हैं वो सपोर्टिंग पिलर रहे हैं एंड तक। तो उन्होंने ही मेरे को फीस देनी स्टार्ट करी, पापा ने तो नहीं दी थी। फिर मैंने धीरे धीरे पहले बेसिक सीखा कंप्यूटर्स का स्कूल में जैसे सिखाते हैं। फिर 12th के बाद मैंने दादू को ही बोला कि मेरे को आगे बैचलर डिग्री करनी है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो उन्होंने ही फीस दी मेरे को, पापा ने नहीं दी पापा तो चाहते थे कि प्राइवेट कर लो घर बैठ के, बस हो गया, कहाँ दिक्कतें, बाहर जाओगे तुम, कौन छोड़ेगा तुम्हें कॉलेज में, कौन लेके आएगा, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, है ना, पेरेंट्स की अलग माइंडसेट होता है। मैं उस लेवल पे तो नहीं सोच सकती, मैं तो उस लेवल पे सोच रही थी ना कि मुझे आगे बढ़ना है, अगर आगे बढ़ना है तो अच्छी डिग्री चाहिए पहले ताकि अच्छी जॉब मिले बाद में। तो फिर ऐसे ही मामा जी के घर रही मैं, 11 सेक्टर में था कॉलेज, तो मामा जी का घर पास में पड़ता था, तो उनके घर रही मैं 1 साल। फिर जैसे कैसे मैंने 3 साल पूरे किए ग्रेजुएशन के, फिर मास्टर्स करनी थी तब भी फिर वही प्रॉब्लम फीस की, अब बस करो ग्रेजुएशन होगी। तो ये था कि ना मेरी लाइफ ऐसे रही है कि ना फुल स्टॉप बहुत आए हैं, है ना, गैप्स बहुत आए हैं कि अब रुक जाओ, ऐसे वाले गैप्स आए हैं कि अब क्या करना है आगे, रुक जाओ अब। तो मुझे होता था कि अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, कैसे रुक जाऊं अभी तो फिर मैंने मास्टर्स भी की, फिर मास्टर्स के बाद उसके बाद फिर रोक दिया मेरे को कि अब शादी के दिन आ गए हैं तुम्हारे, अब रुक जाओ तुम, इतना भागो मत। तो मुझे याद है मेरी मेरे फादर के साथ काफी बहस हुई थी कि मुझे जॉब स्टार्ट करनी है, बट उन्होंने नहीं, उन्होंने बोल दिया अब नहीं, बस तुम्हारी बहुत मन मर्जियां होगी, अब तो तुम्हारे लिए लड़का देखेंगे। तो मैं थोड़ी सी स्ट्रेस में चली गई थी आफ्टर मास्टर्स, तो 2-3 साल ऐसी रही मैं स्ट्रेस में। फिर मेरे को 2-3 साल बाद ऐसा हुआ कि ये तो नहीं हूं मैं, और आगे अगर मैं किसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीती भी हूं तो मैं वो नहीं होंगी जो मैं बनना चाहती थी ना, तो मैं स्ट्रेस में निकालूंगी, स्ट्रेस में किसी को अपना पार्टनर चूज करूंगी, स्ट्रेस में आगे मेरी लाइफ रहेगी। तो इससे अच्छा है कि मैं इसका ना मतलब जो मैं करना चाहती हूँ वो करूँ। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे फिर से कुछ करना है आगे, तो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी अपनी। मुझे याद है PHP की ट्रेनिंग थी 6 महीने की, तो वो मैंने शुरुआत करी थी। काफी जने थे रोकने वाले कि मेरे पापा को सुनाने वाले रिलेटिव्स काफी थे जो कहते थे अब फिर से लगा दिया तुमने लड़की को, अब तो इसकी शादी के बारे में सोचो। तो पापा सुनते रहते थे, मम्मी सुनते रहते थे, मैं भी सुनती रहती थी। मैं, मेरा तो ऐसा हो गया था माइंडसेट कि यहाँ से सुनो यहाँ से निकालो ऐसे लोगों की बातें, तो मैं सही डायरेक्शन में चली गई थी, स्ट्रेस से निकल के आई मैं। पहले सुन रही थी उनकी बातों को, मैं अपने आप को लो फील करा रही थी, उसके बाद मैंने सुनना बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है, अपनी ग्रोथ करना कोई बुरी बात नहीं है, अपने लिए काम करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना और एफर्ट्स करके अपनी आइडेंटिटी को पाना कोई बुरी बात नहीं है, है ना। तो फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की और मैंने जॉब इंटरव्यू था मेरा फर्स्ट, मैंने फर्स्ट बारी क्रैक कर लिया था। तो मेरा जॉब स्टार्ट करने का मोटिव था कि मुझे आगे जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं था कि जॉब ही मेरा गोल था, ऐसा नहीं था। मुझे था कि मैं 3-4 साल जॉब करूंगी उसके बाद अपना स्टार्ट करूंगी बिजनेस। मेरा जॉब शुरू करने का मोटिव था कि मैं जाके सीखूं कि काम कैसे होता है कंपनी में, एक कंपनी कैसे बनती है, बॉस कैसे बिहेव करता है टीम के साथ और टीम कैसे काम करती है, जॉइंटली बॉस कैसे मोटिवेट करता है टीम को कि काम लेके आओ, ऑन टाइम काम करो, फिनिश करो, अच्छा रिजल्ट लाके दो, कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारे अच्छे हो जाते हैं अगर आप जॉब करते हो किसी कंपनी में, और तुम्हें तरीके पता चल जाते हैं कि क्लाइंट्स कैसे लेके आते हैं, उनको कैसे हैंडल करते हैं। तो ये मोटिव था मेरा, मेरा बॉस बहुत अच्छा था,
उन्होंने मुझे जीरो लेवल से सिखाया है अपने साथ बैठा बैठा के, और मैं ऐसी थी कि मुझे जो मर्जी बोल दो कोई चक्कर नहीं, मुझे तो सीखना है, मुझे पता था कि मुझे कहाँ पहुंचना है, तो इसलिए मैंने सीखा। और फिर धीरे धीरे फिर मेरी शादी भी हुई, बीच में बच्चा भी हुआ, बेबी भी हुआ, बट मैंने जॉब कंटिन्यू रखी 5 साल। और फिर 5 साल के बाद मुझे लगा कि जितना इस कंपनी से सीखना था मैंने सीख लिया है, अब मुझे कुछ आगे करना है, आगे बढ़ना है। मैंने सोचा था कि मैं आगे स्किप करूंगी किसी और कंपनी पे ताकि मेरी सैलरी अच्छी हो जाए, मेरा पैकेज अच्छा हो जाए। वो चीज भूल गई थी कि मैं अपना भी काम शुरू करना था मुझे, वो आदत पड़ गई थी ना 9 to 5, 9 to 6 काम करने की। और बैंक में वो मंथली क्रेडिट होते हैं ना पैसे, उसका लालच हो जाता है आपको कि हाँ अगर छोड़ेंगे वो तो नहीं मिलेंगे, तो रैट रेस बोलते हैं इसको ऑनलाइन, अगर देखा जाए ऑनलाइन वर्ड एक है तो रैट रेस बोलते हैं इसको। तो फिर मैंने दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया, वहां पे इतना स्ट्रेस था उस कंपनी में काम करते हुए, वो मेरे को दिन में भी काम करवाते थे और रात को पढ़ने के लिए भी देते थे, टास्क देते थे, तो वो टास्क उनका पूरा करते करते मेरे को 2 या 3 बज जाते थे रात के, और मेरा बेबी 1 साल का था तब। बेबी को नीड थी मदर की, मुझे होता था घर जाके बच्चे को टाइम दूं, बट मुझे कंपनी का काम करना पड़ता था उस टाइम। वो किस लिए, इसलिए मैंने वो काम किया ताकि मैं अपने स्किल्स को सुधार लूं, सीखने के लिए तब भी मैं पीछे नहीं हटी कि मैं अपने स्किल्स को सुधारूं, मुझी में कमी है, तभी मेरे को काम नहीं आ रहा है, उसे और सीखना चाहिए आगे। तो मैंने 3 महीने वहां पे काम किया। 3 महीने के बाद जब प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, वो कुछ पीरियड देते हैं कंपनी वाले कि 3 महीने के बाद फुल सैलरी मिलेगी आपको, अभी हाफ मिलेगी, ऐसे उनको रूल्स थे। तो जब कंप्लीट हो गए 3 मंथ, तो उन्होंने मेरे को टर्मिनेशन लेटर भेज दिया। मैं सुबह रेडी हो रही थी ऑफिस जाने के लिए कि आपको निकाला जाता है आपके रूड बिहेवियर के लिए। मेरा रूड बिहेवियर मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि रूड बिहेवियर है। जितने भी मेरे जूनियर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, वो हमेशा खुश रहे हैं, वो कहते हैं कि आप मोटिवेट करते हो, आप हमेशा अगर हमें नहीं आता तो आप करके दिखाते हो साथ में बैठ के। ये चीजें मैंने अपने बॉस से सीखी थी कि जूनियर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं और कैसे काम निकलवाते हैं उनसे। अगर मोटिवेट नहीं करोगे तो कोई काम करके नहीं देगा आपको टीम मेंबर। अगर आप उसमें गलतियां निकालोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, वो कभी काम कर नहीं पाएगा। तो जिस इस कंपनी में, जो मैंने सेकंड कंपनी में काम किया, तो वहां पे था प्रेशर वाला। ऐसी कंपनी को हम पंजाबी बोलते हैं लाला कंपनी। तो वहां पे था प्रेशर वाला काम कि सुबह ही क्लास लग जानी जी, आज तो कल आपने ये नहीं किया, आज आपने ये नहीं किया, और 30-30 मिनट बाद वहां पे अपडेशन दोगी क्या हो रहा है कोडिंग की। जहाँ पे जो कोडिंग होती है ना सर, कोडिंग में आप कैसे 2 घंटे 3 घंटे निकलते हैं आपको पता नहीं चलता। अगर अटक गए किसी चीज में, अगर जल्दी से सॉल्व हो गया तो आप अपडेशन दे सकते हो, अगर नहीं देते थे वहां पे तो फिर गालियां पड़ती थी कि अपडेशन नहीं दे रहे। तो बहुत इरिटेटिंग माहौल था वहां का। तो ये अच्छी बात है उन्होंने निकाल दिया, वो किक थी मेरे लिए, अच्छी बात है। तो इतना गुस्सा था उस टाइम पे कि निकाल दिया इन्होंने। मेरे जो हस्बैंड थे, तो उनका रिएक्शन था कि ये तो हर किसी से लड़ पड़ती है, इसीलिए निकाला है इसको। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लड़ती हूँ अच्छी चीजों के लिए, लड़ती हूँ, बुरी चीजों के लिए कभी नहीं लड़ी मैं लाइफ में। तो मैं, मुझे याद है कि वहां जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मुझे क्लाइंट मिला था तो 10,000 मंथली। जॉब छोड़ी थी मैंने, 30,000 मिलते थे मुझे मंथली जब। तो मैंने फर्स्ट क्लाइंट लिया था 10,000 मंथली, तो उससे स्टार्ट हो गया था मेरा काम उसी मंथ पे, उसी मंथ से मिल गया था मेरे को क्लाइंट जिस मंथ में मैंने जॉब छोड़ी थी। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर मुझे अच्छा काम करके दिया मैंने, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग उसका काम लिया मैंने, और फिर रेफरेंस के थ्रू बहुत सारा काम आया। फिर मेरे को कंपनी, जो पुरानी कंपनी में क्लाइंट्स थे जो मुझे जानते थे, जिनका काम मैंने किया था खुद से, वो मेरे पास आ गए कि आपसे ही काम करवाएंगे। तो ऐसे ऐसे मेरी जो एजेंसी है वो ग्रो करनी स्टार्ट हुई। ग्रेट।
ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, आपने लर्निंग पे फोकस किया है ना, क्योंकि आज का जो टाइम है ना, सब लोग यही चाहते हैं कि फटाफट सक्सेस मिल जाए, जल्दी से हम सक्सेसफुल हो जाएं, और जो मेन चीज है लर्निंग पे लोग फोकस नहीं करते। तो जैसे कि माही जी के बारे में आप सभी ने जाना है, अभी तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के ऊपर फोकस किया ताकि चीजें अच्छे से सीख पाए। अगर सीख पाएंगे तो पैसा तो अपने आप आएगा, एम आई राइट ना, पैसा तो अपने आप आने वाला है बिल्कुल। तो सीखने के ऊपर ज्यादा से ज्यादा अगर आप फोकस करेंगे, जब चीजों को सीखेंगे, स्किल्स को डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता बिल्कुल भी। तो माही जी ये भी बताएं कि आपने जो आईटी की कंपनी अपनी स्टार्ट की, जब स्टार्ट किया था तो इसका स्ट्रगलिंग फेस था है ना, कोई भी जब न्यू भी स्टार्ट करेगा उसका कोई भी बिजनेस, वो स्ट्रगलिंग फेस होता है। तो स्टार्टिंग में उस स्ट्रगल को कैसे टैकल किया आपने? आपको 30,000 सैलरी से आ रहे थे, वो बंद हो गए, तो आप बता रहे हैं जैसे 10,000 का क्लाइंट मिला, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अभी कैसे करना है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे वो चीजों को आपने टैकल किया, थोड़ा सा इस पर भी बताइए प्लीज। बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं जब हमारी सैलरी ज्यादा हो जाती है, सोचा जाए तो पहले मैंने लिस्ट चेक की कि मेरे क्या एक्सपेंसेस हैं, तो वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस निकाले मैंने मतलब मनी मैनेजमेंट स्किल्स सीखे। पहले सबसे पहले जरूरी बात होती है, अगर आप एक कंपनी ओनर या कंपनी खोलना चाह रहे हो तो मनी, अपने अपने पैसे को कैसे संभालना है, उसको कहाँ पे लगाना है, वो सीखो, तभी आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आप लॉस में रहोगे हमेशा। तो मैंने सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को कम किया जो एक्स्ट्रा थे, कुछ देर के लिए, 6 मंथ के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया सर कि 6 मंथ का गोल था मेरा, तो 6 मंथ के लिए मैंने कम किया। उसके बाद फिर मैंने पूरा फोकस लगाया पिच करने में क्लाइंट्स को, और टेक्निक्स को सीखा, जैसे आप मेरे गुरु रहे हो ई सेल्स ट्रिक्स में, ई कॉमर्स बिजनेस में, तो ऐसे ही मेरे और भी काफी सारे मेंटर्स रहे हैं जो जिनसे मैंने ये टेक्निक सीखी कि क्लाइंट्स को पिच कहाँ पे करना है और क्या वर्डिंग होनी चाहिए, उन डील को क्लोज कैसे करना है और रिजल्ट कैसे अच्छा लेके आना है उनके प्रोजेक्ट के लिए, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट वो लेके आए तो आपको ही चूज करें, तो इतना अच्छा रिजल्ट देना है, रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचना है, पेमेंट के बारे में कम सोचना है, और ये सारी चीजें मैंने सीखी। और फिर मैंने ये भी सीखा कि कंपनी रन करते हुए जो आपकी टीम है उनको चूज कैसे करना है जी, अगर टीम अच्छी होगी तो काम अच्छा होगा, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, उनके इंटरव्यूज कैसे लेने हैं, उनको कैसे रखना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनको काम कैसे सिखाना है जो नहीं आता है, और अपडेशन उनसे कैसे लेनी है ताकि उनको बुरा भी ना लगे। ये पहले ही मैं सोच के बैठी थी कि अगर मैं कोई अपने अंडर रखूंगी टीम तो उनको हमेशा मोटिवेट करूंगी, क्योंकि मुझे मेरी फर्स्ट कंपनी के बॉस ने बहुत मोटिवेट किया था, मुझे याद है। तो आगे जो मेरे अंडर भी काम करे लोग, मेरे जूनियर्स हो, मेरे टीम मेंबर्स हो, तो वो अच्छा काम तभी लेके आएंगे जब वो अच्छे से मोटिवेट होते रहे रोज की रोज। तो वो चीजें सीखी मैंने, लीगल बाइंडिंग कैसे करनी है ना, अब किसी से काम लेना है क्लाइंट से तो फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं सर इस इंडस्ट्री में, जी बिल्कुल। तो लीगल बाइंडिंग कैसे करनी है, एक डॉक्यूमेंट कैसे बना के देना है उनको कि कितने दिन में काम हो जाएगा, और क्या क्या सर्विसेज रहेंगी, पेमेंट 50% एडवांस कैसे लेना है, तो ये सारी चीजें सीखी मैंने। मेरे को 5 से 6 महीने लग गए ये सीखने में, जो मैंने शुरुआत में क्लाइंट्स लिए थे उन पे अप्लाई नहीं करी थी मैंने चीजें, इनवॉइस भी मुझे नहीं बनाना आता था, तो इनवॉइस कैसे बनाना वो भी सीखा मैंने। तो धीरे धीरे 6 मंथ के बाद मैं थोड़ी सी प्रोफेशनल हो गई कि हाँ, पहले इनवॉइस भेजो, फिर एक डॉक्यूमेंट बना के भेजो, ये सारी चीजें, तो इसमें टाइम लग गया, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, और धीरे धीरे आप एक्सपर्ट होते हो, ऐसे ही रहा सर। अब बढ़िया चल रहा है, अब ठीक चल रहा है, अब मेरे पे प्रेशर भी नहीं है काम का, क्योंकि मेरी टीम संभालती है काम जी, ग्रेट। तो मैं, और सबसे जरूरी था मेरे लिए कि फाइनेंशियली फ्री हो जाना जी। फाइनेंशियली फ्री आप अगर तब होते हो जब आपकी टीम आपके लिए काम करना शुरू कर देती है, वही काम लेके आते हैं, वही करके देते हैं, आपका काम है सैलरी इसको देना, वो एक कंपनी ओनर का काम रह जाना चाहिए 3 साल के बाद जब कंपनी स्टार्ट होती है। ग्रेट,
बस यही जमीन है। तो आईटी की जो जो आपकी कंपनी है, ये अभी 3 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग आप करते हो। पीछे मैंने ये भी सुना था कि 5 लाख से ज्यादा आपने एक मंथ में अर्न किए हैं। और इस स्टेज पे पहुंचने के लिए कितने साल का टाइम लगा आपको? स्टार्टिंग में 10,000 मंथली आपने स्टार्ट किया, 1 साल लग गया, 2 साल लग गया, कितना टाइम आपको गया है इस सक्सेस को पाने के लिए? हाँ जी, 1 साल लगा, अभी दो दो साल 1.5 साल मेरे को, अभी 3 लाख आपने बोला है उस अर्निंग तक पहुंचने में मेरे को लग गया है टाइम, कि मंथली बेसिस पे एक अर्निंग सेट हो जाए। जी फिर अभी 2 साल होने वाले हैं, तो अभी हम 5 लाख तक भी गए हैं, उसको भी ग्रेट, टच कर गए हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो एक चीज और बताएं, जैसे कि मैं आपके बारे में जानता हूं, आप काफी पैशनेट रहे हैं कोई भी बिजनेस करने के लिए, तो आपने ऑनलाइन में और कौन कौन से बिजनेसेस ट्राई किए? और इसी दौरान आप शायद ई सेल्स ट्रिक्स के साथ भी टच में आए, मेरे साथ भी टच में आए हैं, तो और कौन कौन से बिजनेसेस आपने इस जर्नी में किए हैं? क्योंकि ऑनलाइन में जैसे ऑफलाइन बिजनेसेस होते हैं, वैसे ही ऑनलाइन में भी कुछ मेन बिजनेसेस हैं जहां से बड़ा रेवेन्यू बनाया जा सकता है, जो भी हम लोगों को बताते हैं, अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो उसमें से आपने कौन कौन सा बिजनेस जो है आपने ट्राई किया, और उसके अलावा क्या ट्राई किया, वो भी थोड़ा सा बताएं। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सर मैंने सुना था जब मैं जॉब कर रही थी, तो मुझे था कि साथ में अर्निंग हो जाए एक्स्ट्रा, तो उसके लिए मैं एफिलिएट मार्केटिंग चूज करती। फिर तब तो टाइम नहीं मिला मुझे, जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी तो तब मेरे पास टाइम ही टाइम था सारी चीजें करने के लिए। तो जी फिर मैंने मेरे को मुझे याद है 6 मंथ हो गए थे कंपनी चलाते हुए, फिर मुझे लगा कि ये तो काम स्टार्ट हो गया है, अब कुछ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जी कुछ और सीखते हैं। जी सीखने की इच्छा रहती है मेरे दिल में ना, कि मुझे होता है कि मल्टीपल सोर्सेस हो इनकम के, जी उसमें ये फायदा होता है कि अगर एक जगह से पैसे नहीं आ रहे तो दूसरी जगह से आने चाहिए, दो रास्ते बंद हो जाते हैं तो तीसरी जगह से आने चाहिए। मतलब आप फ्री रह के जिंदगी जी रहे हो अपनी, और आपके बैंक में पैसे क्रेडिट हो रहे हैं, आपको टेंशन नहीं है। टेंशन होती है जॉब वालों को, डिमोटिवेट नहीं करना चाहती जॉब वालों को होती है टेंशन, अगर जॉब छूट गई तो क्या करेंगे, ये सच्चाई है। तो इसीलिए मैंने ई सेल्स ट्रिक्स को लिया था, इस प्रोग्राम को, और मैं इम्प्रेस्ड थी आपके। पहले मैंने इंटरव्यूज वगैरह देखे थे, आपको देखा था कि आप अच्छा कर रहे हो एफिलिएट मार्केटिंग में, आप ई कॉमर्स में अच्छा करके दे रहे हो, तो फिर मैंने सीखना था मुझे ई कॉमर्स की कैसे, वेबसाइट्स तो मैंने काफी बनाई थी बट कभी ट्राई नहीं किया था कि ई कॉमर्स बिजनेस में कैसे करते हैं काम और प्रोडक्ट्स को कैसे चूज करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपसे सीखी हैं कि अच्छा प्रोडक्ट कैसे चूज करना है, ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, और फाइबर से काम कैसे उठाना है, और सोशल मीडिया का कैसे यूज करना है अपने काम के लिए। और मैं बहुत कैमरा शाय थी, तो मुझे याद है कि आपकी वीडियोस देख देख के ना मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट करी थी, कि मुझे पता था कि ना सोशल मीडिया में अगर छाना है तो फेस वैल्यू होनी चाहिए आपकी, है ना। तो फिर मैंने वो चीजें सीखी, वीडियो बनानी सीखी, और ई सेल्स ट्रिक्स ने मुझे ना एक और स्टेप ऊपर बढ़ाया है मेरी जर्नी में ना। मैंने काफी चीजें, काफी ट्रांसपेरेंसी आ गई उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस में, ई सेल्स ट्रिक्स प्रोग्राम लेने के बाद। तो बहुत अच्छा रहा आपका, आपने बहुत मोटिवेट किया है सर। शेयर मार्केट में मैंने फर्स्ट कदम रखा आपकी वजह से, शेयर मार्केटिंग का काम किया, और इंट्राडे आज मैं करती हूँ, अगर आप की सपोर्ट के हिसाब से मैंने तब रखा था मार्केट में कदम, तो आज मैं इंट्राडे में काम कर रही हूँ, अदरवाइज मुझे पता ना होता अब तक शेयर मार्केट में कैसे काम करते हैं। थैंक यू सुभाष सर इसके लिए, इतना अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए और इतनी अच्छी सपोर्ट के लिए। जी, थैंक यू। तो देखिए, अगर कोई न्यू बीस डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट करता है ना, आप अभी इस इंटरव्यू को लोग देखेंगे, इंस्पायर होंगे, वो भी चाहेंगे कि हम भी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी आपके जैसे रन करें, तो उनके लिए किस तरीके से उनको स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा सा उनको बताइए, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा ये काफी। वो लोग स्टार्ट करें जो टिके रहेंगे इस फील्ड में, वही काम लेके आएंगे, अदरवाइज काम लाना मुश्किल है, मैं आज बोल देती हूँ, इसमें कंपटीशन बहुत है। ये जरूर बहुत अच्छी बात है कि आगे जो मतलब अपकमिंग इयर्स में जो काम है वो ऑनलाइन ही है,
अगर आप देखोगे तो आगे आफ्टर कोरोना तो हमें पता चला ही चली गया है कि ना ऑनलाइन ही चीजें होंगी आगे, जो भी होंगी जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे जो फिजिकल थे वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो बहुत काम है इसमें और साथ की साथ इसमें कंपटीशन भी है। जी बहुत सारे बच्चे बहुत सारे जो जॉब करते थे लोग वो अपनी जॉब को छोड़ के इस फील्ड में आ रहे हैं। अगर आप डेटा देखोगे तो कोरोना के बाद बहुत सारे लोग इस फील्ड में आए हैं क्योंकि उनको पता है कि इस फील्ड में पैसा है और बहुत आसानी से बनता है, इतने एफर्ट नहीं लगाने पड़ते जितने 9 घंटे बैठ के जॉब पे लगाने पड़ते हैं और बॉस की चिक चिक सुननी पड़ती है। तो इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री में आई। और एजेंसी के लिए मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप एजेंसी अपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कंसिस्टेंसी रखिए, सब्र रखिए, थोड़ा अपने पूरे एफर्ट डालिए। ऐसा सोचिए जैसे मैंने गोल बनाया था 6 मंथ का, अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि मैंने इस मंथ ये करना है, नेक्स्ट मंथ मैंने फर्स्ट क्लाइंट लेके आना है, उससे नेक्स्ट मंथ मैंने 4 क्लाइंट लेके आने। तो अपने आप के लिए गोल सेट कीजिए, जब तक गोल सेट नहीं करोगे काम नहीं कर पाओगे। और इसके कुछ स्टेप्स भी हैं, उनको फॉलो कीजिए। एजेंसी को पहले आप रजिस्टर्ड करवाइए एक अच्छा सा नाम लेके, एक अपनी वेबसाइट बनवाइए और अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाओ और वहाँ पे अपनी सर्विसेज को बताओ कि आप क्या करते हो लोगों के लिए। तो वो एक पॉइंट ऐड करो कि आप सोशल हेल्प करते हो। मैं हमेशा ऐड करती हूँ कि मैं सोशली डिजिटली लोगों की हेल्प करती हूँ, डिजिटली लोगों को सपोर्ट करती हूँ और उनके बिजनेस में, ताकि उनका बिजनेस ग्रो करे। तो ये आपकी पंच लाइन होना चाहिए, कोई भी एक पंच लाइन जिसमें आप अच्छे हो तो वो साथ में लेके चलो। जैसे मैं अच्छी हूँ कि मैं ग्रोथ लेके आ सकती हूँ आपके बिजनेस में, तो मैं वो करती हूँ काम, मैं उसमें अच्छी हूँ। जो आपकी यूएसपी है, जो डिजिटल एजेंसी स्टार्ट कर रहा है उसकी कोई यूएसपी होगी, वो किसी चीज में अच्छा होगा, तो उस यूएसपी को हमेशा आगे रखें। अगर वो आगे रहेगी तो आप में अलग कॉन्फिडेंस दिखेगा, आपकी वीडियोस में आप कुछ भी बोल रहे हो सर्विसेज के बारे में अलग से कॉन्फिडेंस रहेगा और क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। जी ग्रेट। तो एक चीज मैंने और आपके साथ जानी है, आप हमेशा ना गर्ल्स को मोटिवेट करते रहे हैं, आप चाहते हैं गर्ल्स कुछ करें, आगे आए, आगे बढ़े। और हमारे पीर पैगंबर भी जो रहे हैं उनका भी यही ध्यान रहा कि गर्ल्स जो है महिलाएं आगे जाएं, ठीक है ना, लेडीज आगे जाएं, फ्रंट फुट पे रहें। और जो गवर्नमेंट भी है उन्होंने भी इसके लिए काफी एफर्ट्स डाले हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आप लड़कियों को काफी मोटिवेट करते हैं, दो लाइनें उनके लिए भी आप बताएं। लड़कियों के लिए इसीलिए मोटिवेट करती हूँ कि मुझे भी किसी ने मोटिवेट किया था, अगर वो इंसान मुझे मोटिवेट ना करता तो शायद यहाँ पे ना होती। तो मुझे भी किसी ने मोटिवेट किया था, तो मुझे लगता है कि मैं किसी और को करूँ ताकि वो भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा सुधारे, ग्रोथ लेके आए उसमें। लड़कियों का काम ये नहीं है, पहले तो सोसाइटी का माइंड सेट ऐसा है कि उसके लिए मैं लड़ पड़ती हूँ, थोड़ी सी फेमिनिस्ट हूँ। तो माइंडसेट ऐसा है कि लड़कियां लड़कियों को, चलो आज एजुकेशन तो देते हैं पेरेंट्स, काफी फैमिलीज में सुधार है, वो एजुकेशन देते हैं, उसके बाद उन्होंने क्या करना है वो डिसाइड पेरेंट्स ही कर लेते हैं, उनसे नहीं पूछा जाता है कि आपने क्या करना है। अगर वो कह दे बिजनेस शुरू करना है तो बवाल हो जाता है फैमिली में, क्योंकि पेरेंट्स को होता है अभी शादी की है जो की है। जबकि अगर बेटा बोल दे कि बिजनेस स्टार्ट करना है वो सपोर्ट करेंगे, अगर बेटी बोले कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो 80% फैमिलीज नहीं करेंगे सपोर्ट। तो माइंडसेट अभी भी चेंज नहीं हुआ है। गर्ल्स भी तो सोच सकती है ना कि बिजनेस शुरू करें, क्या पता वो अपने ब्रदर से काफी ज्यादा आगे निकल जाए। मेरे फादर अब मुझे बोलते हैं कि आप मुझे बोलते हैं कि माही तो सबसे ज्यादा स्मार्ट है फैमिली च, ए वाला कॉम्प्लीमेंट ले ली, बहुत सारे साल लग गए सुबह सर। हाँ जी, तो मेरे ब्रदर भी अब मुझे बोलता है कि हाँ मेरे, जब भी उसने कुछ करना होता है लाइफ में तो मुझसे सलाह ली जाती है, मेरी सिस्टर भी मुझसे सुजेशन लेती है, मेरी फैमिली पूरी सुजेशन लेती है। बट ये कहते हैं ना, ये पर्सनैलिटी बनाने के लिए, आइडेंटिटी बनाने के लिए स्ट्रगल बहुत लगा है, बहुत एफर्ट्स लगे हैं, बहुत लड़ी हूँ लाइफ में, इरिटेट हुई हूँ,
और फैमिली को भी इरिटेट किया है, तो बहुत कुछ रहा है। स्ट्रेस में भी गई हूँ, डिप्रेशन में भी गई हूँ, फिर निकली हूँ दोबारा से। तो मुश्किल वक्त कमांडो सख्त वाली मेरी टैगलाइन है। तो ऐसे ही रहा है मेरी लाइफ में। तो लड़कियों को मैं ये कहती हूँ कि अगर नहीं बोलोगी ना तो नहीं कर पाओगी। अपने लिए बोलो, अपने लिए लड़ो, कोई और नहीं आएगा। खुद ही लड़ना पड़ता है, खुद ही काम करना पड़ता है। फायदे भी तो तुम्हें ही होंगे, किसी और को थोड़ी होने। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब गर्ल्स आगे जाती हैं, जो हमारी भी कम्युनिटी में हैं, लड़कियां बहुत अच्छे से अर्निंग करती हैं। दैट इज वेरी गुड पॉइंट। हमारे समाज को भी इस बारे में सोचना चाहिए, गर्ल्स को आगे लेके आए, उनके उनसे भी पूछा जाए कि वो क्या करना चाहती हैं, तो उसी हिसाब से उनके साथ चलना चाहिए, उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। हो सकता है वो जेंट्स से ज्यादा कुछ अच्छा कर पाए, है ना, लेकिन हम उनको सपोर्ट ही नहीं करते, उनसे पूछते नहीं है वो क्या करना चाहती है। और गर्ल्स का भी माइंडसेट ऐसा रहता है कि वो भी अपने हक के लिए काम ही नहीं करना चाहती। तो आप लोग भी आगे आइए। तो ये इंटरव्यू को अगर आप लोग देख रहे हैं तो माहिर जी से काफी ज्यादा आपको इंस्पिरेशन मिला होगा, तो आप लोग जो है फ्रंट फुट पे आइए और आगे बढ़िए। ई सेल स्ट्रिक्स हमेशा आपके साथ है, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए। तो माहिर जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपका रोल मॉडल कौन रहा है? रोल मॉडल हर एक का रहता है कि हाँ मुझे इसके जैसा बनना है उनको देख कर, तो आपका भी कोई रोल मॉडल होगा उसके बारे में बताइए, फिर हम इस इंटरव्यू को क्लोज करेंगे। रोल मॉडल की बात करोगे ना, तो ऐसा नहीं रहा है कि कोई चीज अचीव करने से पहले मैं किसी इंसान को मैंने रोल मॉडल बना लिया है, ऐसा नहीं रहा है। रोल मॉडल वो बाद में बना है, जब उससे सीख लिया है। तो मुझे याद है मेरा फर्स्ट रोल मॉडल थे कि जब मैंने 11th क्लास में, साथ साथ में मैंने प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर्स की क्लासेस लेनी स्टार्ट करी थी। तो इस इंडस्ट्री में आगे कितनी ग्रोथ है उन्होंने बताया था मुझे। वो मेरे को मुझे इतना इंस्पायर करते रहते थे, टाइपिंग स्पीड बना लो अपनी, स्टेनोग्राफर की जॉब होती है, मुझे वहां पे जाके पता चला। और आईटी सेक्टर चंडीगढ़ में ग्रोथ कर रहा है। पहले उससे पहले ना जब मैं 10th में थी तो आईटी सेक्टर नहीं था यहाँ पे चंडीगढ़ में, उसके बाद बूम आया बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बताया कि आगे जॉब्स इसी में आएंगी, तो इसी को आगे, इसी में डिग्री करना आगे ग्रेजुएशन की, इसी में मास्टर्स करना। वो भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना सर, अगर कोई अच्छी गाइडेंस दे दे आपको 12th के बाद, जी है ना। जी जी तो अच्छी गाइडेंस उन्होंने दी कि आगे मुझे पढ़ाई किस में करनी चाहिए। फिर उसके बाद बहुत सारे रोल मॉडल रहे हैं मेरे, मेरे बॉस मेरे रोल मॉडल रहे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। मैं उनको जब मैंने स्टार्ट की थी एजेंसी में, थैंक यू नोट बोल के आई थी, मैं दे के आई थी थैंक यू कार्ड कि आपकी वजह से मैंने स्टार्ट किया है। चलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया माही जी, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे व्यूवर्स के साथ। तो इस वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पूरे इंटरव्यू को आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। तो आप सभी के साथ हमारी बेस्ट विशेज हैं, आप भी जिंदगी में ग्रो करें, आगे बढ़े। थैंक यू, चाचा, बाय बाय।